भदोही जिले के चौरी थाना अंतर्गत वरदहा परचीपुर गांव में शुक्रवार को मृतक भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के 13वीं कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 13वीं कार्यक्रम में बेटी की तस्वीर देखकर आकांक्षा दुबे की मां फूट फूट कर रोने लगी। यह नजारा देख मौके पर मौजूद सभी की आंखें नम हो गई थी। आकांक्षा दुबे की मां ने समर सिंह की गिरफ्तारी पर यूपी पुलिस और सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है। आकांक्षा दुबे की मां ने समर सिंह को फांसी देने की मांग की है। शुक्रवार को मृतक भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के 13वीं कार्यक्रम में बरदहा गांव में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय, भदोही के पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, मड़ियाहू विधायक आरके पटेल सहित जनपद के तमाम संभ्रांत नागरिक शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे हुए थे। आकांक्षा दुबे की मौत मामले में आकर कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर हमला बोला है और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आकांक्षा दुबे के 13वीं के दिन मुख्य आरोपी समर सिंह को पुलिस ने गाजियाबाद से धर दबोचा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आकांक्षा दुबे के पैतृक घर चौरी के बरदहा परसीपुर गांव में शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। शुक्रवार को 13वीं कार्यक्रम के दौरान आकांक्षा दुबे की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान आकांक्षा दुबे की मां ने मुख्य आरोपी समर सिंह की गिरफ्तारी होने पर यूपी पुलिस और सरकार का आभार व्यक्त किया है। आकांक्षा दुबे की मां ने समर सिंह को फांसी देने की मांग की है। शुक्रवार को आकांक्षा दुबे के 13वीं कार्यक्रम में भदोही सीट से पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, जौनपुर के मड़ियाहू से विधायक आरके पटेल, कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय सहित तमाम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे हुए थे। मैं समर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर मैं सबसे बड़ी आभार श्री योगी आदित्यनाथ की हूँ कि उन्होंने मेरी लड़की के केस में आरोपी को प्रशासन को टाइप किए कि आरोपी को पकड़वाने में मैं उनको अब मुझे पक्का पता है जैसे आरोपी को पकड़वाए हैं वैसे ही मेरी लड़की को न्याय भी दिलाएंगे, ये हत्यारे को फांसी की सजा भी दिलवाएंगे। पिछले दिनों बात आ रही थी कि जबरदस्ती वो काम करवा रहे थे। हाँ, तीन साल से मेरी लड़की इसके साथ में काम कर रही है। तीन साल से इसके ही साथ सबसे ज़्यादा गाना पिक्चर इनके ही साथ में, यही बनारस में दो दो महीना इसके घर पे रुकती थी मेरी लड़की। पूरी तरह से मेरी लड़की को दूसरे का काम आता था तो करने नहीं देता था। पूरी तरह से मेरी लड़की को टॉर्चर करके अपने कब्जे में रखा था। बीच में ये गाड़ी भी नया खरीदा था उसके लेकर कुछ कमेंट हुआ था, उसको लेकर कुछ विवाद हुआ था। उसका वो नहीं लिया था, उसका जो ये इंटरप्रेजेंट जो कंपनी है समर सिंह का, संजय सिंह जो चलाता है लखनऊ का, वो इसका भाई नहीं है, उसको भाई बोलता है, रिलेशन में भाई लगता है, मोगलुआ भाई। हाँ, उसको भाई बोलता है। तो उसने लिया था गाड़ी, तो मेरी लड़की तब उस समय शूटिंग कर रही थी बस्ती में शूटिंग कर रही थी। तो वहाँ 21 तारीख को ये फ़ोन किया, मैंने लगाया तो मेरी लड़की बोली कि भाई दूसरे की गाड़ी स्टेटर रखा था, तो मेरी लड़की देखी बोली भाई दूसरे कमाई पे ऐश कर लो। तो मेरी लड़की को बोलता है क्या बोली रे तू, तो मुझे जानती है मैं तुझे गायब करा दूंगा, मैं तेरा मर्डर करवा दूंगा। 21 मार्च को धमकी दिया संजय सिंह ने और 24 मार्च की रात को मेरी लड़की को मार डाला। मेरी लड़की बहुत भावुक होकर, मैं रात को जब फ़ोन करी तो मेरी लड़की का आवाज़ से मुझे लगा, तो मैं बोली क्या हुआ बेटा, तो बोलती मम्मी वो संजय सिंह है मुझे जान से मारने की धमकी दिया है। मैंने क्यों बात में, तो वही बताने लगी कैसा ऐसा बात है। तो मैंने बोला भी बेटा काहे के लिए, बोले जाने दे बेटा नहीं बोले का। तो हुआ आखिर धमकी दिया और मेरी लड़की बोली ठीक है मैं आ रही हूँ, देखती हूँ कितना बड़ा माने पावर है तेरा, तू मेरा मर्डर करवा सकता है। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, क्या जानकारी मिली आपको? पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उसमें भी लिपापोती किया गया है, वो सही नहीं है। मेरी लड़की जब होटल गई पार्टी में गई थी, पार्टी में गई श्रद्धा पांडे और उसका पति अरुण पांडे दोनों थे और मेरी लड़की थी वहाँ पे, पुलिस प्रशासन वहाँ पे, मैं सारनाथ में थी, मेरे सामने बात हुई तो उन्होंने बोला कि पार्टी में क्या क्या खाना था, वो बोली सब खाना था। मौत पे परिजन की तरह ऊपर चढ़ाइए, ये बहुत ही दुखद घटना है और अपने इस परिवार की बिटिया कहे डिस्टर्ब करें भाई, हम लोग के एक होनहार कलाकार जिसको बोलते हैं, एक आगे बढ़ना चाहती थी बिटिया और जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, जिस तरीके से उसको मारा गया और उसके परिवार के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती बच्ची, और निश्चित तौर से इसलिए नहीं कर सकती कि जिस तरीके से उसने आगे बढ़कर एक साधारण से गांव से निकलकर उसने जिस तरीके से आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा को दिखाने का कार्य किया,
तो निश्चित तौर से उसके अंदर दम रहा होगा, उसके अंदर सोच रही होगी कि हम समाज के अंदर आगे बढ़ें और अपने परिवार, अपने समाज, अपने क्षेत्र का नाम आगे करें। मैं समझता हूँ कि इस सरकार में बहुत दुखद घटना है और अभी तक जो कार्रवाई हुई उससे मैं समझता हूँ कि परिवार के लोग अभी संतुष्ट नहीं है और निश्चित तौर से ये केवल और केवल परिवार को संतोष देने का कार्य किया जाए। जांच की मांग की गई है, उनका नोटिस जारी हुआ है। निश्चित तौर से परिवार के जो लोग की डिमांड है, इनके परिवार की, उसकी माँ की, उनके परिवार की, चाचा की, भाई की, उस डिमांड पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए, तभी इन लोगों को ये विश्वास होगा कि हमारे लिए सरकार कार्य कर रही है और हमारी मदद कर रही है। देखिए ऐसा है कि ये पूरी तरीके से मैं कहूँगा तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण है, क्योंकि जिस तरीके से आज कार्यक्रम हम लोगों का तय हुआ कि हम लोग आज आएंगे इसके परिवार में, कल कार्यक्रम जारी हुआ और रात को समर सिंह की गिरफ्तारी पता लगा गाजियाबाद में हो जाती है, जैसा आप लोगों मीडिया के माध्यम से चला, तो ये मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं से ये एक षड्यंत्र दिख रहा है या इसमें राजनीतिक संरक्षण दिख रहा है। अजय राय कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? अजय राय देखते हैं इसलिए कि हमारे परिवार की बिटिया चली गई, हमारे घर की चली गई, हमारे बीच का होनहार कलाकार चला गया, हम सब लोग बहुत ही दुखी हैं, मर्माहत हैं और ये मांग करते हैं कि जो परिवार की जो जो डिमांड है, सीबीआई की मांग है, इस परिवार को पूरी तरीके से संरक्षित किया जाए, सुरक्षा दी जाए और आर्थिक सहयोग भी देना चाहिए, क्योंकि जो परिवार संघर्ष कर रहा है वो बिटिया के लिए उसको आगे बढ़ाने में जितना ही लोगों ने खर्च किया होगा, निश्चित तौर से परिवार को आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए। आकांक्षा की माँ का ये भी कहना है कि लंबे समय से समर के साथ वो काम कर रही थी, एक भारी भरकम रकम समर के पास अभी भी है उसकी काम के बस की। अब मैं देखिए जो परिवार के, मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ कि जो परिवार की डिमांड है, माँ की, परिवार की, उस डिमांड को सरकार को पूरा करना चाहिए और उस पर तत्काल उस पर ध्यान देते हुए सरकार को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर समर सिंह पकड़ा गया है तो जो उनकी मांग है माँ की, उस तरह तुरंत उस पैसे को रिकवर करके उस परिवार को देना चाहिए। लगता है कि बुलडोजर देरी से काम कर रहा है। अब आप ये आपने पहले पूछा, मैंने कहा ना कि पॉलिटिकली कहीं ना कहीं से इसमें क्या कहेंगे आज आप यही संस्कार में आए पंचायत? देखिए आज श्रद्धांजलि जो आकांक्षा दुबे हमारे भारत की बेटी थी और ख़ासकर ये बारदहाँ गांव में पैदा हुई थी, वो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, कुछ दिन पहले जो साजिश के तहत बनारस की एक होटल में हत्या हुई, यहाँ पे हमारे भदोही जनपद ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में, जहाँ पे फिल्मी जगत में तमाम लोगों में आक्रोश था, वहीं पे भारत की बेटी को लेकर के सभी लोगों में आक्रोश था। मैं भी उस दिन यहाँ पे आया था और यहाँ के लोग अपनी मांग को बहुत शांति ढंग से रखे थे। मैंने उसी समय ये वादा भी किया था, कहा भी था, आप वो वीडियो खोल लीजिए, तमाम लोग मुझसे प्रश्न कर रहे थे और मैंने कहा था कि बहुत ही जल्द 48 घंटे की मैंने बात कहा था कि 48 घंटे के अंदर जो भी इसमें लिप्त हैं वो सभी लोग गिरफ्तार किए जाएंगे। लेकिन जो इसको अनजान देने वाले लोग थे वो इतने चालाक टाइप के थे कि वो यूपी से बाहर अपना कहीं रह रहे थे और जैसे ही हमारे 5-7 आप देखे भी हैं कि हम जितना चाहे वो एयरपोर्ट, चाहे रेलवे स्टेशन, चाहे जहाँ भी हो, चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई थी और उसी के तहत जब मैं बोला, इसके बाद उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री श्रद्धेय माधवनी योगी आदित्यनाथ महाराज जी से भी हमारी वार्ता हुई और उत्तर प्रदेश के बहुत ही तेज तर्रार ACS जो संजय प्रसाद जी हैं उनसे भी हमारी वार्ता हुई, अपने जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय से भी वार्ता हुई, बनारस के कमिश्नरेट से वहाँ भी वार्ता हुई, पकड़ा गया है, क्या कहेंगे उसको, वार्ता हुई और उन लोगों ने भी ये आश्वासन दिया कि विधायक जी जो भी इस घटना में संलिप्त हैं वो बहुत ही जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। अभी की बड़ी ब्रेकिंग है, गाजियाबाद के नंदगांव से समर सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है, उसी बात पर मैं आ रहा जी। तो ये उस दिन के बाद से जब मैं ये बोल के गया था कि निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी होगी और आज जब मैं दूसरी बार यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ तो निश्चित रूप से समर सिंह की गिरफ्तारी, वो पहले ही मुझे सूचना मिल गई थी और वो गिरफ्तारी गाजियाबाद
कभी ये नेपाल में। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।